वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मतलब ये पहला दिन ही है यूपी का, मतलब उत्तर प्रदेश में आया हुआ हूँ और वाराणसी में। इससे पहले आप जो ब्लॉग देखे होंगे कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो अभी मैं हूँ बचाओ गांव में। मतलब ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और जब यूपी आए हैं तो यहाँ का सारा व्यू तो आपको दिखाना बनता है ना। तो ये दूसरा ब्लॉग है, मतलब सेकेंड ब्लॉग है यूपी का। वैसे तो घूमने वाला बहुत जगह है, मतलब जाएंगे काशी विश्वनाथ, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, मतलब जो भी कुछ है घूमने लायक यहाँ पे, सारनाथ। और वाराणसी तक मैं जो आया उसका ब्लॉग तो आपको दिख ही जाएगा, वाराणसी जंक्शन तक आप जा कर के देख सकते हैं। वैसे पता चला है कि बस मतलब ये यूपी का लास्ट है गांव, और इसके बाद अगर आप आगे चले जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, ज़िला चेंज हो जाता है, जो कि है मिर्ज़ापुर। और अपना लगेज वगैरह आप देख लो। वैसे अभी शाम के 6:30 बज चुका है, ये देख लो आप। तो ये रहा कुछ खेत, आपको दिख रहा होगा। तो बस फटाफट से हम तैयार होते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, तो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता हूँ तो आपको एक सब्सक्राइब बनता है। वीडियो अच्छा लगता है तो बस लाइक करना है, और बहुत ज़्यादा जब अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, चलो। और ये आपको देख रहे होगा यहाँ पे काशी हिंदू विश्वनाथ। गोदौलिया, हाँ, अब कहीं जाना होगा तो उस हाईवे पे चलेंगे, मेन रोड पे चलेंगे। थैंक यू भैया। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। और गाइज हम लोग आ चुके हैं 80 घाट पे। नाम तो सुना ही है इतनी बार लेकिन 80 घाट कभी आए नहीं। और पूरा आपको घाट दिख रहा होगा, पूरा सीन कैसा है। एक चीज़ गड़बड़ हो गया कि हम लेट से आए, मतलब आरती छूट गई, नहीं तो यहाँ का आरती देखने का जो मज़ा है भैया, वैसे यहाँ का माहौल एक अलग लेवल का है। वैसे ये देख लो, और मेरे सामने ये टेम्पल आप देखो कितना सुंदर। और 80 घाट पे ही है पंच मंदिर, और सबसे पहले भगवान ये रहे इधर, यानी कि 5 भगवान है, 5 मुख दिख रहा है। और ये देखिए इतना बड़ा, गांव के भाषा में डगरा या सूप आप कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे जगह पे आ चुके हैं कि सिर्फ आप देखो, मतलब बोलने का कोई शब्द नहीं, इस तरह का सीन है पूरा, मतलब कुछ बोल सकते नहीं है, इतना खूबसूरत जगह पहली बार। और पंचमुखी मंदिर का दर्शन हमने कर लिया। तो भैया अब सारे घाट को हम आपको दिखाएंगे। 80 घाट इसका नाम से ही छुपा हुआ है, मतलब पूरा पता चल रहा है कि 80 घाट है। देखते हैं कितना कवर होता है। वैसे अभी हम लोग 80 घाट पे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको तो पता होगा। अभी आ गए हैं,
अब हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और आपको दिखाते हैं, देखते हैं कैसा लुक वगैरह है। वैसे रात में तो गए थे लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कुछ सीन है। ये हम बनारस की सड़कों पे घूम रहे हैं। और यही है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये देख लो आप। देख के तो लग रहा है कि फ़ोन वगैरह अंदर ले जाने का अलाउ नहीं है। वैसे पुलिस लोग बहुत सारे हैं, बाहर में आपको दिख जाएंगे। और फिलहाल अभी अंदर जाने के लिए मतलब अलाउ नहीं है कुछ भी, फ़ोन वगैरह। तो हम यहीं पे अपना बैग और शूज खोल दिए हैं। मतलब आप मंदिर के अंदर जब जाइएगा तो फ़ोन और बैग नहीं ले जाना, वैसे आप जा सकते हैं। अब आते अंदर से मिल करके तब मैं आपको बताता हूँ कैसा। वही तो भैया, हम सोचा था कि अंदर में इतना भीड़ काहे हो रहा है, काहे कि अंदर में मतलब एक आदमी क्या, आप भी मतलब जाइएगा। हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे, लगा कि अंदर जाएंगे इसी तरह घूम के चल आएंगे, लेकिन जब अंदर गए तो एक आदमी का लगभग समझिए तो 45 से एक घंटा लग जाता। मतलब एक बार हम गए, एक बार ये गए। वैसे आप जाइएगा, बाहर में लॉकर वगैरह रखने के लिए कहते हैं, लेकिन जब आदमी है तो एक बार हम भी गए, एक बार ये भी गए, एक बार हम इनका बैग देखे, एक बार ये, क्योंकि लॉकर वाले को दीजिएगा तो उसके लिए आपको फूल वगैरह खरीदना पड़ेगा। मंदिर इतना मतलब क्या, वैसे भी अंदर तक फ़ोटो वोटो अलाउ था नहीं, जो कि आप फ़ोटो अंदर खींच सकते हैं या वीडियो, बाहर से ही सब कुछ और कुछ नहीं ले जाना था अंदर में। वैसे मंदिर का जो लुक है वो इतना खूबसूरत, रिव्यू आकाश देंगे क्योंकि ये भी गए थे साथ में, तो हम लोग गए नहीं क्योंकि बैग देखना था, इसलिए रिव्यू बताइए आप कैसा लगा मंदिर। मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत था और जो है ना, मेन बात है, मेन बात है यूनिक, जैसे मेन बात है कि अंदर का जो था वो रियल जो गोल्डन होता है ना उसका था, इसलिए सोना का मंदिर का जो गुंबद होता है वो सोना का बना हुआ, पूरा सोना जो था मतलब गोल्ड, बहुत सारा सोना लगाया, इसलिए पूरा उसके कारण तो वो और चमकता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग एक बार बदौलिया चौक आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से 80 घाट की ओर जाएंगे। वैसे शाम का आरती तो दिखाना है, अब क्या कुछ है वो सारा कुछ 80 घाट पे जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी चलेंगे 80 घाट पे और सामने हमारे है गोदौलिया चौक, यही है गोदौलिया चौक भैया, ये देखो। और कहते हैं ना कि बनारस आए और बनारस की गलियाँ नहीं घूमे तो फिर क्या घूमे, तो फिर क्या था, हम भी निकल पड़े गलियां घूमने। घूमते हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे हो रहा है भंडारा, तो फिर क्या था, काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, हम भी निकल पड़े भंडारा में भोजन की तलाश में। और भरपेट भोजन करने के बाद हम लोग पहुँच गए दशाश्वमेध घाट, और वहाँ का जो दृश्य था वो है आपके लिए।
सिर्फ वोटिंग ही हो रहा है। अभी दोपहर के मतलब 2:30 बज चुके हैं और मैं आपको मतलब बनारस का लगभग आपको व्यू दिखा चुका हूं और सभी घाट पे भी घुमाया है, लेकिन अभी चलेंगे हम घाटों, मतलब यहां का जो घाट है ना वो एक राउंड से जैसे सी कर्व होता है ना उसी तरह से 80 घाट जो कि टोटल घाट आपको एक ही कर्व में दिखेंगे, जो कि स्टार्टिंग से लेकर के 80 घाट से लेकर के आपको मेरे जस्ट इधर दिखेंगे मणिकर्णिका घाट तक। तो अभी हम लोग चलेंगे मणिकर्णिका घाट जो कि लास्ट में उस तरफ है, तो बस अभी हम मान मंदिर घाट पे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं। और इधर जितना भी घाट है ना सब एक मतलब नीचे से ऊपर की ओर पूरा दिखेगा, पूरा हिस्टोरिकल टाइप का है। तो का हम बोलत है भैया हमको समझ में खुद ना आवत, और इस जगह के लिए का हम आपको बोले। चलो त्रिपुर भैरवी घाट, अच्छा अभी लकड़ी का नाव बन ही रहा है। जस्ट अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट के बगल में और एक घाट पे यहाँ पे रिपेयरिंग भी चल रहा है, ये देखो। मणिकर्णिका घाट दिख रहा है, ले जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। वैसे बोटिंग के लिए सोच रहे क्या कहते हैं, बोटिंग करना पड़ेगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, बोटिंग तो करना बनता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू, और मेरे सामने है मणिकर्णिका घाट, मतलब रियल ट्रुथ जिसे हम कह सकते हैं। आप ये देखो यहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार इस घाट पे हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा सत्य है, इसे हम लोग बच नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। ये मणिकर्णिका घाट, और यहाँ का वीडियो क्या बनाना गाइस, इसलिए यहीं से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की धरती कभी ठंडी नहीं होती,
मणिकर्णिका घाट आपको दिख रहा है लाशों की आग से। हमारे सामने दिख रहा है गाइज महाकालेश्वर भवन, लोग आ चुके हैं अंदर में, ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू। सोमनाथ भवन, और हमारे सामने रही भारत माता महाकालेश्वर भवन के अंदर, ये देखो आप। इसी के बगल में रामेश्वर भवन और ये गेट नंबर 1 है। और किसका गेट नंबर 1 है पता है आपको? अभी पता चला मुझे, काशी विश्वनाथ मंदिर का। उस समय हम लोग मेन रोड से गए थे गदौलिया चौक होते हुए, और ये है गेट नंबर 1। ये देखो आपको गोल्डन अंदर से दिख रहा होगा किस तरह का गोल्डन लुक है। और अभी हम लोग 80 घाट पे बैठे हुए हैं गाइस, ये देखिए कुछ इस तरह का है यहाँ का व्यू। और आरती की तैयारी अब कुछ ही देर में शुरू होगी, बस सभी लोग बोटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं मौका मिलेगा तो हम भी बोटिंग करेंगे। काशी के प्राचीनतम घाट 80 घाट पर माँ गंगा का महापूजन करना भी ये भी बहुत सौभाग्य की बात है गंगा भक्तों। नमः पार्वती पदे हर हर।